हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चे आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। बच्चे फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है, हमारे वो अकाउंट्स जो हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। तो कंपनी क्या बनाती है एट द एंड ऑफ ईयर। तो बच्चे कंपनी बनाएगी बैलेंस शीट, जिसको हम बोल सकते हैं पोजिशन स्टेटमेंट। फिर क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट, और फिर क्या बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, फिर हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दीज ऑल आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट एक ही बात है, कब बनाते हैं इनको हम, एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च को। क्या क्या बनाएगी कंपनी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अच्छे बैलेंस शीट का हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है, और हमें उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है और उसी के थ्रू में बनानी है कंपनी की बैलेंस शीट। तो बच्चे अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम वही फॉर्मेट सीखने वाले हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे बच्चे हम बैलेंस शीट ऑफ यहां पर आएगा कंपनी का नाम, फिर इसके बाद एज एट 31 मार्च जो भी हमारा ईयर। ये हमारा फॉर्मेट है कंपनी की बैलेंस शीट का। हमारा फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इसके बाद नोट नंबर और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। पहले हमारा करंट ईयर आएगा बच्चे, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, बच्चे फर्स्ट जो हमारे पास है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बच्चे बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, असेट लायबिलिटी। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर बच्चे हमारे पास चार मेजर हेडिंग है, मेन हेडिंग है। इसमें से फर्स्ट हमारे पास है शेयर होल्डर्स फंड्स। बच्चे लायबिलिटी साइड में हमारी फर्स्ट मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर फंड्स, जो हमारे ओनर्स हैं, जो कंपनी के ओनर हैं उनका फंड। और बच्चे इसका जो है फर्स्ट पार्ट है शेयर कैपिटल। बच्चे शेयर कैपिटल के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कितनी हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, कितनी इशूड शेयर कैपिटल है, कितनी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। तो हमारी जो भी कैपिटल है उसको हम कहां शो करेंगे बच्चे, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर शो करेंगे, ऑथोराइज्ड भी, इशूड भी, सब्सक्राइब भी। इसके बाद सब्सक्राइब के दो पार्ट हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, वो भी इसी में शो करेंगे। इसके अलावा जो कॉल्स इन एरियर्स है, मतलब पैसा तो मंगाया हमने बट मिला नहीं हमें, उसको हम सब्सक्राइब में से माइनस करेंगे, और जितना हमारा फोरफिटेड है वो भी हम इसी में ऐड करेंगे। जो मैं बता रहा हूं इस सब को हमें नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन करना होता है। एग्जाम में क्या होगा बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसे मान लो आपको दिया हुआ है कॉल्स इन एरियर्स, आपको बताना पड़ेगा इसका मेजर हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है। तो कॉल्स इन एरियर्स जो है इसका जो मैंने लिखा वन करके, ये बच्चे हमारा क्या है मेजर हेडिंग है यानी कि शेयर होल्डर फंड, और जो मैंने ए पार्ट लिखा ये हमारा सब हेडिंग है।
जो वन लिखा मैंने, ये क्या है, मेजर हेडिंग या मेजर हेड है, मेन हेडिंग है, और ये क्या है हमारी सब हेडिंग है। तो अगर आता है कोल्चन एरियर्स या प्रोफिटेड शेयर्स या ऑथोराइज शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, इनकी मेजर हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छे, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर क्या क्या आएगा, जितने हमारे रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट जो है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सब किस हेडिंग के अंदर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में लिखा रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसकी मेजर हेडिंग सब हेडिंग क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट हमारे पास है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट, क्या मतलब है, शेयर वॉरेंट क्या होता है, शेयर वॉरेंट क्या होता है, बच्चे हमारे ये एक सर्टिफिकेट है जिसपे लिखा होता है कि हमारे शेयर फ्यूचर में इस डेट पर शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये क्या है हमारा, शेयर वॉरेंट है, मतलब हमारे शेयर एक फ्यूचर डेट पर, एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो क्या है, शेयर वॉरेंट है। अब ये शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, शेयर वॉरेंट है, फ्यूचर में बदल जाएगा शेयर के अंदर, तब ये यहां से उठकर यहां पर आ जाएगा। अभी उनको शेयर नहीं दिया आपने, क्या दिया है, एक वॉरेंट दिया है, तो ये भी हमारा किसका पार्ट है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तो ये शेयर होल्डर फंड के अंदर कितनी सब हेडिंग है हमारे पास, तीन सब हेडिंग है, कौन कौन सी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। सेकेंड मेजर हेडिंग हमारे पास है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या होता है बच्चे, हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास पैसा आया है शेयर इशू करने के लिए, बट अभी तक हमने शेयर इशू नहीं किए उनको, और मतलब पैसा हमें रिसीव हो गया है बट शेयर देना है कि नहीं देना है वो डिसाइड नहीं किया हमने, तो ये क्या है बच्चे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पब्लिक ने पैसा दिया शेयर इशू करने के लिए बट अभी तक उनको हमने शेयर नहीं दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। हमारी वो लाइबिलिटीज जो एक साल के अंदर, हमारी वो लाइबिलिटीज जो एक साल के अंदर हमें नहीं पे करनी पड़ेगी वो नॉन करेंट लाइबिलिटी है। इसका फर्स्ट पार्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बच्चे जो डिबेंचर्स हमारे हैं, जो बॉन्ड्स हमारे हैं, जो लोन फ्रॉम बैंक है, लोन फ्रॉम फॉरन है, लोन फ्रॉम किसी भी पार्टी से, हमारे जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं हमारे, वो किस हेडिंग के अंदर आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएंगे बच्चे। नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बच्चे ये क्या होता है बच्चे, अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम के साथ में कंपेयर करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या डेफर्ड टैक्स असेट होगा। बच्चे एक होता है अकाउंटिंग इनकम, एक होती है टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम क्या होती है, देखो जो हमारे अकाउंट बनते हैं, हमारे अकाउंट बनते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, और हम टैक्स पे करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो दोनों में क्या है, डिफरेंट रूल्स गिवन है, इसकी वजह से क्या होता है हमारे टैक्स में डिफरेंस आता है। तो जितना हमारा टैक्स पे करना है उससे हमने कम टैक्स पे किया, तो वो क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है।
अभी कम पे किया है मतलब फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। इसका अपोजिट कर दिया, जितना टैक्स बनता है उससे हमने कम टैक्स पे किया, फ्यूचर में टैक्स उससे हमने कम टैक्स पे किया तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। इसका रिवर्स करते हैं, जितना टैक्स पे किया करना है इस साल में उससे एक्स्ट्रा पे कर दिया हमने, यानी कि फ्यूचर ईयर का टैक्स भी हमने इसी साल पे कर दिया बिकॉज ऑफ डिफरेंट लॉज, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज लॉ। तो अगर ज्यादा पे कर दिया तो क्या है वो डेफर्ड टैक्स असेट है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स असेट है। अच्छी, जो एडवांस टैक्स अलग बात है और ये हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है अलग बात है। अकाउंटिंग इनकम को हमने टैक्सेबल इनकम से कंपेयर किया तो जो डिफरेंस आया वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स असेट होगा। ज्यादा टैक्स पे कर दिया हमने तो डेफर्ड टैक्स असेट है, कंपेयर किया तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। अदर लॉन्ग टर्म अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अलावा जो भी हमारी अदर लायबिलिटी है जो हम एक साल के अंदर पे नहीं करनी पड़ेगी वो क्या है अदर नॉन करंट लायबिलिटी है। जैसे मान लीजिए ट्रेड पेबल्स हमें पे करने हैं 5 साल के बाद, 4 ईयर के बाद, 3 ईयर के बाद, तो वो क्या है हमारे अदर नॉन करंट लायबिलिटी है। हमारी वो लायबिलिटी जो इन बाकी हेड में कवर नहीं है वो इसमें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब इसमें क्या है बच्चे, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, हमें एम्प्लॉयज को कुछ ग्रेच्युटी पे करनी है, प्रोविडेंट फंड पे करना है, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है हमारा। तो हमारा वो प्रोविजन जो मोर देन 1 ईयर में काम आएगा हमारा, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा, से डिवेंचर दिया है हमें, डिवेंचर लिखा है या बॉन्ड्स लिखा है, तो पूछेगा हमसे इसका मेजर हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, मेजर हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। अब है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटी होती है जो हमें पे करनी पड़ेगी विद इन अ ईयर। इसका फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अच्छे, हमने लोन लिया हुआ है मगर वो लोन हमें पे करना पड़ेगा विद इन अ ईयर, तो वो हमारे लिए क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है। जैसे मान लीजिए बैंक से लोन लिया मैंने 6 मंथ के लिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग है। इसके अलावा लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, हमारे वो लोन जो डिमांड आती है वापस करना पड़ेगा हमें, तो लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड है, करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटी है। तो हमारे वो लोन जो 1 साल से कम टाइम के लिए है, चाहे वो बैंक से लिए हैं कहीं और से लिए हमने, वो हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा। ट्रेड पेबल्स जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं जो पे करने पड़ेंगे विद इन अ ईयर, वो हमारे ट्रेड पेबल हैं, क्रेडिटर बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज, हमारी वो करंट लायबिलिटीज जो इन बाकी सब हेड में कवर नहीं है वो इसमें आएगी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम इन एडवांस, सब कहां कवर है बच्चे, वो इसके अंदर कवर है। बच्चे ध्यान दो, डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं, वो कहां पर आएंगे बच्चे, हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएंगे। बट अगर मैंने बोला करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, मैंने लोन लिया 5 ईयर के लिए, वो फर्स्ट 4 ईयर में लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा, बट इस साल मुझे वो पे करना है, तो क्या है वो करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, तो कहां पर आएगा वो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, जो उस पर इंटरेस्ट एक्यूड है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, वो भी इसी हेडिंग के अंदर आएगा। और लास्ट हमारे पास है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स, और जो भी हमारे प्रोविजन है, प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड हमारा है, हमारे वो प्रोविजंस जो हमारे हर साल बनते हैं, तो वो हमारे क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड,
ये सब हमारे क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, ठीक है बच्चे। तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड है, मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड है हमारे। तो बच्चे इसके अंदर कितनी मेजर आइटम हमारे पास है, चार, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये इतने काम के नहीं है हमारे, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ये चार हमारी मेजर हेडिंग है, मेन हेडिंग है। इनमें से तीन हमारे काम की है, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेजर हेडिंग क्या है। जैसे मैंने बोला जनरल रिजर्व, तो आपको आइडेंटिफाई करना है मेजर हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड्स। अब सब हेडिंग क्या है, इसके अंदर तीन सब हेडिंग है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो जनरल रिजर्व किसमें आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, ये हमारी क्या सब हेडिंग है। मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, ये मेजर हेडिंग है, ये 1, 2, 3, 4 क्या है हमारी मेजर हेडिंग है, और एबीसी हमारी क्या है, सब हेडिंग है, सब हेड्स है। जैसे मैंने बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बताओ उसमें मेजर हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेजर हेडिंग करंट लाइबिलिटी, सब हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो बच्चे ये हमारा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी वाला पोर्शन है। अब आते हैं असेट्स पर। बच्चे असेट साइड में हमारे पास दो मेजर हेडिंग है, असेट साइड में हमारे पास दो मेजर हेड है, नॉन करंट असेट्स फर्स्ट मेजर हेड और सेकेंड है हमारा करंट असेट्स। असेट्स में आ गए, असेट्स में कितने मेजर हेड है, दो। फर्स्ट क्या है, नॉन करंट असेट्स, हमारे वो असेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फिक्स्ड असेट्स। बच्चे मेजर हेड क्या है हमारा, नॉन करंट असेट्स, सब हेड क्या है हमारा, फिक्स्ड असेट्स। बच्चे इस सब हेड के अंदर चार सब सब हेड है, क्या क्या, टेंजिबल असेट्स, हमारे वो असेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, व्हीकल्स, है ना, ये सब क्या है बच्चे हमारे लिए, टेंजिबल असेट्स। नेक्स्ट है इनटेंजिबल असेट्स, हमारे वो असेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, लाइसेंस फी, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, रेसिपी, फॉर्मूले, डिजाइंस, मास्टर हेड, पब्लिशिंग टाइटल्स। तो ये बच्चे क्या है हमारे, इनटेंजिबल असेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या मतलब बच्चे इसका, हमारी वो सेट्स जो भी बन रही है, बनी नहीं है। मान लीजिए बिल्डिंग, मैंने बोला बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है हमारे लिए, टेंजिबल असेट है, बट बिल्डिंग को बना रहे हैं, अभी तक बनी नहीं है, तो वो क्या है बच्चे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब बिल्डिंग हमारी बन रही है बट बनी नहीं है। फर्नीचर की फिटिंग करवा रहे हैं, अभी हो रही है अभी हुई नहीं है, तो क्या है वो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। नेक्स्ट इज इनटेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। मैंने बोला सॉफ्टवेयर, तो क्या है वो, इंटेंजिबल असेट है, पर सॉफ्टवेयर अभी बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, बना नहीं है अभी तक, तो क्या है वो, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट है। तो ये थी बच्चे फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट के अंदर चार सब सब हेडिंग है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, हमारी वो इन्वेस्टमेंट जो हम एक साल के अंदर सेल नहीं करेंगे, तो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन
म्यूचुअल फंड्स, तो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनीज, तो वो क्या है हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सॉरी डेफर्ड टैक्स एसेट, मैंने बताया आपको इसके बारे में, जितना टैक्स बनता है उससे हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया, फ्यूचर में टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो क्या है डेफर्ड टैक्स एसेट है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये क्या होता है, हमने किसी को लोन दे रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, हमने किसी को लोन दे रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो क्या है लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस है। फिर है अदर नॉन करेंट असेट्स, हमारी वो असेट्स जो इन सब में कवर नहीं है, तो वो क्या है हमारे लिए अदर नॉन करंट असेट है। तो ये थी बच्चे हमारी नॉन करंट असेट्स। अब लास्ट हमारे पास है करंट असेट्स, हमारी वो असेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हमारी क्या है करंट असेट्स है। इसका फर्स्ट पार्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, बच्चे इन्वेस्टमेंट किया हमने शेयर्स में, डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट एक साल से कम के लिए है तो क्या है वो करंट इन्वेस्टमेंट है। हाँ बच्चे अगर मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो करंट है या नॉन करंट है, तो हमें एज्यूम करना है कि वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, मेंशन नहीं किया लॉन्ग टर्म है नॉन करंट है या करंट है, तो उसको हमें नॉन करंट एज्यूम करना है। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, बच्चे इन्वेंट्रीज के अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो फिनिश गुड्स हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा है, जो लूज टूल्स हैं, स्पेयर्स एंड स्पेयर स्टोर एंड स्पेयर्स हैं, वो सब हमारा इसमें कवर है इन्वेंट्रीज के अंदर, जो भी हमारा स्टॉक है, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, फिनिश गुड्स हो। बच्चे अभी क्या होता है, मान लीजिए मैं मार्केट मैन बना रहा हूं, तो मुझे मार्केट के लिए प्लास्टिक चाहिए, तो प्लास्टिक मेरे लिए क्या रॉ मटेरियल है। अब मैंने क्या किया, इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, प्रोसेसिंग बना रहा हूं मैं इसको, तो क्या है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, और जब ये सेल के लिए रेडी है तो क्या है वो फिनिश गुड्स है। सब किसमें आएगा, इन्वेंट्रीज में आएगा। इसके अलावा लूज टूल्स, जो हमारे टूल्स हैं, इसके अलावा स्टोर एंड स्पेयर्स, ये सब क्या है हमारे लिए इन्वेंट्रीज है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स, जो डेटर्स और बिल रिसीवेबल है हमारे, वो भी यहीं पे आएंगे। बच्चे डेटर और बिल रिसीवेबल सेटिंग के अंदर आएंगे, डेटर में से हम प्रोविजन लेस करते हैं, तो बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसको शो करने के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल में डेटर में से माइनस कर दो, दूसरा है लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में शो कर दो। दोनों बिल्कुल ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, दोनों से बेटर क्या है, दोनों से बेटर क्या है, आप यहां शो करो ट्रेड रिसीवेबल को, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर में से प्रोविजन लेस कर दो, अपने लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी में शो किया वो भी ठीक है, बट बेटर ये वाला ऑप्शन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, अच्छे हमारा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, वो सब कहां पे आएगा बच्चे हमारा, सब इसी से एंड के अंदर कवर हो जाएगा, जो भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन दिया वन ईयर से कम टाइम के लिए, तो हमारा शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस है। इसके बाद अदर करंट असेट्स, हमारी वो असेट जो इन बाकी हेड में कवर नहीं है, वो कहां कवर हो जाएगी अदर करंट असेट्स, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है,
एक्रूड इनकम है, ये सब कहां कवर हो जाएगा बच्चे हमारा, अदर करंट एसेट में कवर हो जाएगा। बच्चे आपको इस चैप्टर में करना क्या है, आपको ये फॉर्मेट लर्न करना है बैलेंस शीट का, और साथ में किस हेडिंग के अंदर क्या क्या आता है, इसे एग्जाम में क्या आ सकता है। जैसे मैंने बोला स्टोर एंड स्पेयर्स, इसकी मेजर हेड और सब हेड क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, करंट असेट्स मेजर हेड और इन्वेंटरीज सब हेड। रॉ मटेरियल है सेम, उसके लिए मेजर हेड करंट असेट, सब हेड इन्वेंटरीज। फर्नीचर मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है, तो आप बोलोगे मेजर हेड नॉन करंट असेट्स, सब हेड फिक्स्ड असेट्स, सब सब हेड टेंजिबल असेट्स, ठीक है। पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क, इनका मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है, तो बताओगे मेजर हेड नॉन करंट असेट, सब हेड फिक्स्ड असेट्स, सब सब हेड इंटेंजिबल असेट्स। बैंक बैलेंस है, चेक इन हैंड है, मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है, करंट असेट्स मेजर हेड, सब सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। प्रीपेड एक्सपेंस मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है, करंट असेट्स अदर करंट असेट्स। तो बच्चे आपको अच्छे से लर्न करना है फॉर्मेट क्या है हमारा बैलेंस शीट का। एग्जाम में कई बार क्या हुआ है कि फॉर्मेट बनाने के लिए आ गया है, फॉर्मेट बनाइए, या फिर जो पिछले 5-6 साल से आ रहा है, क्या आ रहा है, हमें 5-6 आइटम दिए होते हैं, 6 या 8 आइटम दिए होते हैं हमें, तो बताना होता है हमें इसका मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट था बैलेंस शीट का, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।